हम सैन फ्रांसिस्को में क्या कर रहे हैं आकाश विल यू से समथिंग हम तो घर जा रहे थे ना हम नहीं तुम घर जा रहे हो वट आर यू सींग हम उस रात ब्रिज पर क्यों थे क्या रहा? इस डिस्कशन का अभी क्या फायदा क्योंकि जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे सोचो क्या रहा? हम उस ब्रिज पे मिले हमारी कहानी वहां से शुरू हुई लेकिन खत्म भी वहां ऐसा जरूरी नहीं है ना कितनी बार हमने मरने की कोशिश की मौत को हमने कितने मौके दिए पांच और जिंदगी को कितनी बार हमने अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश की बैठकर उसका सामना किया एक बार भी नहीं और हम कहते कि लाइफ नॉट फै बस ये थोड़ी दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया हूं कि मरने के लिए तुम्हें कितने भी रीजन मिल जाए जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है और मुझे तुम्हारी वजह मिल गई है ग्यारह तुम्हारी ब्यूटीफुल फैमिली है कुनाल है सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था अगर तुम उसे एक मौका दो तुम अभी उसे प्यार करती हो ग्यारह तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना आकाश क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तुम रिजेक्शन हैंडल करने में बहुत बुरे हो नहीं ये मेरे बारे में नहीं है क्या रहा ओ या मिस्टर हॉटशॉट वॉल स्ट्रीट का है शायद मैं किसी और के बारे में एक्चुअली सोच सकता हूं मैं ये नहीं कह रहा कि कुणाल ने गलत नहीं किया पर गलती का मतलब तो यही होता है ना ऐसा भी हो सकता है कि तुम प्यार किसी से करो और किसी और, किसी और के साथ बहक जाओ और तुम्हारे साथ भी कल रात ऐसा हो सकता था ना ऐसा हो सकता है क्यारा जाओ उसके पास तुम जानती हो तुम्हारी खुशी उसी से ही जुड़ी है सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था जहां तुम्हें लगता था कि तुम इस दुनिया की सबसे लकीस्ट गर्ल हो बस अब इसमें थोड़ा सा ही चेंज है कुनार दुनिया का सबसे लकीस्ट लड़का है तुम्हारा एड्रेस क्या है सॉरी आकाश मैंने गुस्से में जो भी चीजें बोली आई अरेन्दम तुम ब्लश को अपने साथ ले जाओ इसे ये तो सिर्फ तुम्हारी बात मानती है ना अभी ये भी तुम्हारी बात मानेगी मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो मैं तुम्हें फोन कहाँ करूंगी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यू यार आकाश